प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। मैं तो आ रहा हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए पिक्चर के ट्रेलर के बारे में। इस पिक्चर का नाम है चपाक। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये पिक्चर का ट्रेलर काफी एकदम अच्छा है और काफी इंटरेस्टिंग है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये काफी अच्छा है, अच्छा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हकीकत में वो एक हादसा के बारे में है। जैसे ये हादसा हुआ था 2005 में राजस्थान में एक लड़की पर एसिड फेंक दिया गया था, जैसे उस लड़की का नाम था लक्ष्मी अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, वाकई इतना बुरी तरह हुआ था उस लड़की पर, इतने बड़े हादसा हुआ था कि उसका पूरी जिंदगी बदल गया उस लड़की का। उसी स्टोरी पे बेस्ड है इस पिक्चर का पिक्चर चपाक। जैसे इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं मेघना गुलजार और इस पिक्चर प्रोडक्शन है फॉक्स स्टार स्टूडियो। बल्कि सिर्फ फॉक्स स्टार स्टूडियो नहीं, बल्कि इस पिक्चर में जो हीरोइन रोल कर रही है, लीड रोल जो कह सकते हैं, दीपिका पादुकोण, वो खुद ही इस पिक्चर में एक प्रोड्यूसर है और एक एक्ट्रेस भी है जो उनकी रोल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, और इस पिक्चर के डायरेक्टर भी खुद एक प्रोड्यूसर है इस पिक्चर के, मेघना गुलजार। बाकी पिक्चर का ट्रेलर काफी अच्छा है। शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की पर एसिड फेंक दिया जाता है जो है दीपिका पादुकोण, और चक्रा के नीचे गिर जाती है। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर उनके साथ काफी हॉस्पिटल में उनकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि वो अब से अपनी नया चेहरा देखेंगे ऑपरेशन के बाद। बाकी अपना चेहरा देखे आईने में देखे चिल्लाने लगती है, और उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिर उन्हें दो औरत का सहारा मिलता है एक लॉर के दौर में, जो उनके मन में एक जागरूकता पैदा करती है और उन्हें हर खतरों का सामना करना पड़ता है। बाकी ये पिक्चर का ट्रेलर काफी अच्छा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पिक्चर के ट्रेलर में दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण उनके जैसे जो लोग काफी संघर्ष कर रहे हैं, जो इस तरह एसिड अटैक जितने भी लड़कियां हैं उनमें जागरूकता पैदा करती है और उन्हें में जिंदगी में एक नई जिंदगी जीने की सहारा एक रास्ता बताती है। बाकी काफी अच्छा है ट्रेलर, तो काफी अच्छा है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। बल्कि जो हकीकत में जो हादसा हुआ था 2005 में, उस हादसे को उसमें एकदम अच्छी तरह बताया गया है, और डायरेक्टर ने भी पूरी कोशिश की है ताकि इस पिक्चर को अच्छी तरह प्रेजेंट करे। जबकि इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं, जो लीड रोल कह सकते हैं, वो दीपिका पादुकोण, और सपोर्टिंग एक्टर के तौर में एक्टिंग कर रहे हैं मिस्टर विक्रांत मेसी। बाकी पिक्चर का ट्रेलर मुझे तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जैसा लगे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कुछ बदलाव ला सके ताकि लोगों के बीच जागरूकता ला सके, इसलिए इस तरह के पिक्चर निकाले गए। जैसा ये पिक्चर अगले महीने यानी जनवरी 2020 को 10 तारीख को रिलीज होने वाली है। बाकी ये पिक्चर काफी अच्छा होगा जहां तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो हकीकत में जो हुआ था जिस लड़की के साथ, उसके दिलो दिमाग में कैसा गुजरा होगा जरा आप सोच के देखिए। जबकि इस पिक्चर में दीपिका पादुकोण जो लीड रोल कर रही है, तो उन्हें भी दिल में काफी उन्हें सोचने मजबूर कर दिया होगा, इसलिए इस पिक्चर को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी ये पिक्चर का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और सत्यभाई रिव्यू चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।